आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीरों के बलिदान से। ऐसे शूरवीर और देशभक्त जिनका नाम रहती दुनिया तक सदा के लिए अमर हो गया, ये वीर ऐसी क्रांति का आगाज कर गए कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। इनकी गाथाएं सुनकर आज की पीढ़ी में भी देश के प्रति प्रेम और जोश उमड़ने लगता है। इतिहास के पन्नों में 23 मार्च 1931 का यह कुर्बानी का दिन कभी न भूलने वाला एक ऐतिहासिक दिन बन गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देश के वे युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी का प्रण लिया और देश पर मर मिटने का सौदा अपने आप से कर लिया। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स, मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले। क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायी इन तीनों का मकसद भारत से अंग्रेजों को खदेड़ना था। इसके लिए ये लोग गुप्त मीटिंग्स करते, देशभक्ति के पर्चे लोगों में बांटते, देशभक्ति के भाषण देते और लोगों को आजाद देश में सांस लेने के लिए अवगत करवाते। इन तीनों ने हर प्रकार से देश पर कुर्बान होने की कसम खाई और इनके आदर्श लाला लाजपत राय की जब अंग्रेजों ने हत्या कर दी तो इन्होंने प्रण कर लिया कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, और इन्होंने सैंडर्स को मारकर अपना बदला ले लिया। अंग्रेजों को डराने के लिए असेंबली में बम फेंका, लेकिन इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इन मुद्दों को लेकर अंग्रेजी सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन पर मुकदमे भी चलाए गए। मुकदमों के बाद इनको 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे तीनों ने 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया और अपनी छोटी सी आयु में ही अपने मजबूत हाथों से फांसी के फंदे को देश के लिए गले लगा लिया। दोस्तों, ऐसे नौजवान वीरों की शहीदी कभी किसी हाल में खाली नहीं जाएगी, क्योंकि देशभक्ति की आग में वो जल गए थे, जीवन अपना सफल कर गए थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे वो जो आजादी की ज्वाला बनकर लोगों के दिलों में धधक रहे थे। आज समस्त आईएमसी परिवार इन महान क्रांतिकारियों को उनकी शहीदी दिवस पर नम आंखों से पुष्पांजलि अर्पित करता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। गुड आईएमसी। कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी की जानकारी लेने के लिए हमारी वेबसाइट www.imcbusiness.com पर विजिट करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।